हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। अभी सचिन ने जल्दी से दो जल्दी जल्दी करके दो क्लैरिफिकेशन डाल दिए हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 को कैंसिलेशन को लेके और एसएससी एमटीएस रिजल्ट को लेके। कल जब एसएससी सीजीएल टीयर 2 को जो रवीश कुमार जी हैं उनका प्राइम टाइम में शो आता है, सीजीएल टीयर 2 के ऊपर भी बात आई, इसके ऊपर काफी बोला, एमटीएस के ऊपर भी काफी बोला, तो उससे इफेक्ट होकर एसएससी ने फाइनली दो क्लैरिफिकेशन जारी किए हैं और एसएससी सीजीएल टीयर 2 का 21 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स का पेपर था वो ऑल इंडिया लेवल पे कैंसिल कर दिया और उसके अलावा पटना में एक सेंटर है उसके दोनों पेपर कैंसिल कर दिए हैं। तो इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, मैं सारा सब कुछ बताऊंगा, इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक नहीं रही है। और अगर बता देता हूं, अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके साइड में बेल आइकन होता है वो बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। चलिए बताता हूं फ्रेंड्स, एसएससी की वेबसाइट पे ये देख पा रहे हैं आप दोनों दो इंपॉर्टेंट नोटिस आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस लिखा हुआ है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 2 एग्जामिनेशन 2017 और क्लैरिफिकेशन एमटीएस एग्जाम 2016। तो सबसे पहले एमटीएस के एग्जाम पे चलते हैं। ये क्लैरिफिकेशन एसएससी ने निकाला हुआ है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि बिना कॉपी चेक किए ही ये सब दोनों बिना कॉपी चेक किए ही ये रिजल्ट निकाल दिया है। पूरा आप पढ़ेंगे, इस पूरे का मैं मतलब बता देता हूं, पूरा आप अच्छे से पढ़ लेंगे, नोटिफिकेशन भी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। सिर्फ एसएससी ने अपना जो कल रवीश कुमार जी के जो कल प्राइम टाइम हुआ था उसमें जो आय बात उठी थी उसको लेके सिर्फ क्लैरिफिकेशन दिया है ताकि वो अपनी इज्जत बचा सकें, और बाकी ऐसा कुछ उसमें खास लिखा नहीं है। ऐसा कुछ भी इतना लंबा चौड़ा इन्होंने लेटर छाप दिया है और कुछ भी खास नहीं लिखा है इसमें, और ये सिर्फ यही बताया है कि उन्होंने जो पूरा सब कुछ हो रहा है ये सब उन्होंने ऐसा क्यों किया है कि टीयर 2 सिर्फ उन्होंने ये क्वालिफाई रखा है। जबकि मैं बता दूं 2013-14 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि क्वालिफाई किया था, पहले 50 में से 40 नंबर कट ऑफ गई हुई थी, जिससे क्या हुआ था जो लोअर मार्क्स वाले कैंडिडेट थे वो भी आगे आ पाए। क्योंकि आपको बता दूं इसमें वही कैंडिडेट इस एग्जाम में 28 जनवरी को टीयर 2 का एग्जाम हुआ था उसमें एबसेंट हुए थे जिनके हायर मार्क्स थे, तो उससे क्या लोअर मार्क्स वाले कैंडिडेट ने मेहनत करके 28 जनवरी को वापस से मेहनत की कि कम नंबर आए हैं, चलो कोई बात नहीं टीयर 2 में अच्छा करेंगे हम और आगे जाके अच्छे नंबर लेके आएंगे जिससे हम टीयर 1, क्योंकि टीयर 2 में क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, सीजीएल में सिलेक्ट हो चुके हैं, 10+2 में सिलेक्ट हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये 2016 का एग्जाम था एसएससी एमटीएस का, इसके बेस पे कई बहुत सारे एग्जाम वो टीयर 1 में अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी वो उनमें उन्होंने टीयर 2 में अपीयर ही नहीं हो। और उन्होंने साफ लिखा है इसमें कि ऐसा कुछ नहीं कि कॉपी चेक नहीं हुई है, फिर भी उन्होंने पता नहीं कैसे पता लगा लिया, और उन्होंने साफ लिखा है इस चीज में पूरे नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे कि कॉपी कि इसमें वो कैंडिडेट्स इंक्लूड नहीं हुए हैं जो टीयर 2 में अपीयर्ड नहीं हुए थे। तो जबकि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हमें भी खुद दिखाई दिए हैं कि इसमें जो फाइनल रिजल्ट आया एमटीएस का उसमें है ऐसे कैंडिडेट्स जो टीयर 2 में अपीयर नहीं हुए, लेकिन एसएससी बोल रही है ऐसा कुछ नहीं है। और बात करते हैं इसमें एसएससी, और उन्होंने बोला है कि इनके मार्क्स जो हैं 27 फरवरी से आप अपने एसएससी टीयर 1 एमटीएस टीयर 1 के मार्क्स देख सकते हैं। इसमें पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना, बस एसएससी ने पूरी बस एक औपचारिकता पूरी की है जो कल न्यूज में आया था वो सब मैटर को दबाने के लिए, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा, क्योंकि 17.5 नंबर आप मार्क्स लाने ही थे, आपको देने ही थे, तो सबका पास हो जाते उसमें, तो इससे फायदा क्या हुआ आप पहले ही आप टीयर 1 बेस पे बना देते, कैंडिडेट्स ने स्टूडेंट्स ने इतनी मेहनत की इतना सब कुछ किया उसके बाद भी आपने उनको 17.5 नंबर और 16.5 नंबर पर पास कर दिया और सब जितने भी कैंडिडेट्स सब अंदर आ गए और इतना सब हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं एसएससी की मोडस ऑपरेंडी पता चलता है कि एसएससी क्यों करना चाह रहा है। उन्होंने लिखा है कि हमने ऐसा इसलिए कहा तो ये सब हम अगर जल्दी जल्दी ना करते तो ये सब फाइनल ईयर इसका जुलाई में जाने वाला था, इसमें लिखा है आप पढ़ेंगे पूरा आपको बताता हूँ ये लिखा हुआ है द फाइनल ईयर ऑफ दिस एग्जामिनेशन वुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ओनली इन द मंथ ऑफ 2018। अगर वो बोल रहे हैं अगर ऐसा ये नहीं करते तो 2018 के रिजल्ट में ऐसा जाना है, ठीक है कम से कम जूनियन जाता हम जुलाई तक वेट कर लेते, लेकिन जूनियन कैंडिडेट्स ही उसमें जाते, अब जो कैंडिडेट्स में प्रेजेंट भी नहीं है टीयर 2 वो भी आ गए, ऐसा ये सब क्लेरिफिकेशन दिया है एसएससी ने। और इसके अलावा एसएससी के एक और नोटिफिकेशन आया है सीजीएल टीयर 2 पे आया है, उसमें आपको बताता हूँ उसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ जो 21 तारीख का जो एग्जाम है मैथ्स का पेपर था वो पूरा ऑल इंडिया लेवल पे कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि 27 तारीख को बहुत बड़े लेवल पर मास प्रोटेक्ट होने वाला है, इसमें हर टीचर हर कोचिंग वेबसाइट सब साथ आ गए इस चीज में, इसलिए भी उनको थोड़ा सा लग रहा है ये देख रहे हैं इसमें सब कुछ लिखा हुआ है इनमें। और मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या लिखा है क्वांटिटी अपडेट टू 9 मार्च से उनका, हाँ ये लिखा हुआ है आप देख पाएंगे ऑन 21 फरवरी 2018 ड्यू टू इनकम्प्लीट डाउनलोडिंग ऑफ एरिया ऑन अकाउंट ऑफ सम टेक्निकल रीजन द एग्जामिनेशन बाय डिलेड एंड कैंडिडेट फेस्ड इनकन्वीनियंस। तो मतलब ये कह रहे हैं इनके कहने मतलब ये है कि ये सब एग्जामिनेशन में डेटा डाउनलोड नहीं हो पाया इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है, अरे ये साफ नहीं बता पा रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है हम इसलिए कैंसिल कर पा रहे हैं, ये सब चीजें हुई है, उनका एग्जाम की डेट भी दी हुई है 9 मार्च 2018 को 10:30 बजे एग्जाम है, सब सारी चीजें। और इसके अलावा पटना का एक एग्जाम एक लैब है सेंटर साइबर सिटी
इसमें री एग्जामिनेशन दोनों एग्जाम पेपर वन पेपर टू दोनों हो रहा है, तो ये भी नोटिफिकेशन इसका भी डिस्कशन लिंक डाल दूंगा, आप दोनों दे सकते हैं। और पिछले मैं लास्ट वीडियो में मैं पूरा डिटेल एनालाइज किया था मैं कि एमटीएस में चीटिंग वगैरह सब कैसे क्या हुआ है, उसमें एक चीज बताना भूल गया मैं कि क्या केस भी हो रहा है एमटीएस के एग्जाम पे, तो मैं आपको बता दूं जी बिल्कुल, एसएससी के बहुत सारे जो फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर ये वायरल चीज हो रही है कि बच्चे गैदर हो रहे हैं इस चीज को लेके कि एसएससी एमटीएस पर क्यों ना केस किया जाए, तो ये मंडे को सारी चीजें पता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एसएससी एमटीएस पर केस हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे लगता है जहां तक केस होगा इसमें, क्योंकि बहुत ही इसमें इनजस्टिस और बहुत ही बोगस कैंडिडेट्स बैठे हुए थे उसमें, मतलब ये सारा बिल्कुल आप समझ, लास्ट वीडियो में आपको बताया था जैसे कि कितने बड़े लेवल पे चीटिंग हो रही है, चाहे एमटीएस हो चाहे सीजीएल हो चाहे केवीएस के एग्जाम, सारे बड़े लेवल पे एग्जाम पे चीटिंग हो रही है। तो आप ये सब चीजें समझ के होंगे, इंपॉर्टेंट नोटिस है, मैं वापस बता देता हूँ एमटीएस के नोटिस, बस मैं इंपॉर्टेंट ये उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है एमटीएस के नोटिस में कि कैसे अपने आप को उन्हें बचाया, बस कल जो न्यूज में आई है कि उन्होंने एसएससी, आप जानिए जैसे ही रवीश कुमार के टाइम टाइम में जो न्यूज आती है उसके अगले दिन एसएससी उसका क्लेरिफिकेशन दे देता है कि कैसे क्या करना है सब चीजों को लेकर। तो एसएससी में मैं वापस बता देता हूँ, पूरा इस अपने सेशन को समराइज करता हूँ, बताता हूँ कि एमटीएस में 27 तारीख को आपके मार्क्स दे दी जाएंगे, और बस इसमें यही लिखा है कि हमने ये जल्दी जल्दी कोशिश करने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि ये जो रिजल्ट है फाइनल ये मार्च में न जाके, जैसे कि फाइनल ईयर 31 मार्च में आएगा, एक बार वो कट ऑफ बढ़ेगी। इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि ये सब इन्होंने इसलिए किया है कि ये रिजल्ट जुलाई में न जाके मार्च में ही आ जाए। अरे हमें कोई जल्दी नहीं है, आप जिन्यून कैंडिडेट्स को ही लीजिए, ये सब टीयर टू कराने का कोई मतलब नोटंकी करने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा उन्होंने दूसरा नोटिफिकेशन दिया टीयर टू को, 21 फरवरी का ऑल इंडिया लेवल का इन्होंने मैथ्स का पेपर कैंसिल कर दिया, और रीजन दे रहे हैं कि उनकी डेटा जो डाउनलोड नहीं हो पाया और टेक्निकल इश्यूज हुआ, ये सब चीजें हुई हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने टेक्निकल ग्लिचेस इसमें कुछ भी नहीं हुई है, पेपर आउट हुआ है ये सब बताना नहीं चाह रहे हैं। और 27 फरवरी को बड़े लेवल में मार्च प्रोटेस्ट होने जा रहा है सीजीओ कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके साइड में एक बेल आइकन होता है, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नॉलेज कोर्सेज वीडियोस ये सब लेके मैंने बिल्कुल भी लेके आता रहता हूं, और मैंने बिल्कुल भी एसएससी ऑफिशियल्स पे बिल्कुल भी ये सब बिल्कुल भी चार्जेस नहीं लगाए हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। ये जो लैब्स वाले हैं और जो एग्जाम वेंडर्स वाले हैं ये सब इनकी मिली भगाते हैं और कुछ नहीं है, एसएससी अपना काम बिल्कुल सही से कर रहा है, हमारे चेयरमैन बहुत सही है, कुछ भी न्यूज मिलती है उनको जैसे ही वो अपना क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं। तो अभी चलिए फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू so much।